दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैक्टर नगर में। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा ट्रैक्टर 265 DI के बारे में। किसान भाइयों, इसका जो पीटीओ ड्राइव शाफ्ट होता है उसमें जो पैकिंग लगती है, ऑयल सेल लगती है, वो लीक हो गई थी। तो कस्टमर ने इसमें देसी जुगाड़ किया हुआ था, लेकिन फिर भी वो लीकेज ख़त्म नहीं हुआ। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि पीटीओ ड्राइव शाफ्ट में जो मतलब प्लेट लगती है जिसमें ऑयल सील बैठती है, उसकी जो पैकिंग है उसको किस प्रकार से चेंज करें और ऑयल सील को किस प्रकार से लगाएं। किसान भाइयों, इसमें ऑयल सील और पैकिंग लगाना बहुत ही इजी और मतलब काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप चाहें तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रैक्टर वर्कशॉप या कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस वीडियो में कि पैकिंग और ऑयल सील को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई एक मतलब बाल्टी या ट्रे वगैरह, तसला वगैरह कुछ उसके नीचे लगा लेना है, ताकि जब मतलब प्लेट को खोलें तब ऑयल जो गिरे वो नीचे ना गिरे, ज़मीन पर ना गिरे, नुकसान ना हो। तो सबसे पहले हम नीचे कोई बाल्टी या ट्रे लगा लेते हैं। उसके बाद इसमें जो बोल्ट लगा होता है, केवल 3 बोल्ट होता है, 13 नंबर बोल्ट होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोल्ट को खोलेंगे और खोलने के बाद जो प्लेट लगी होती है उसको पेंचकस की सहायता से बाहर निकालेंगे। उसके बाद किसान भाइयों क्या करना है, हमें पेंचकस की सहायता से ऑयल सील को निकाल लेना है। ऑयल सील को निकालने के बाद उसमें जो मतलब नई वाली ऑयल सील है उसको उसमें बैठाना है, सेट करना है। उसके बाद फिर पैकिंग लगाना है। पैकिंग लगाने के बाद इसको फिर अपने स्थान पर बांध देना है। बांधने के बाद जो बोल्ट लगे होते हैं 3 बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना है। उसके बाद जो ऑयल निकला रहेगा उसको आगे जो गेज होता है वहाँ से किसी कुप्पी या किसी के सहारे से उसमें डाल देंगे। बस केवल हमें इतना काम करना है।